हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी का बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता, जो बच्चों तथा बड़े सभी को काफी पसंद आता है। जब भी आप अकेले हो और रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो इस नाश्ते को बनाकर खा सकते हैं। यह नाश्ता बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी का टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ आधा कटोरी सूजी। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक या मोटी वाली। अब हम सूजी को एक बड़े बाउल में डालेंगे। जितना हमने सूजी लिया है उतना ही हम दही लेंगे। यहाँ पर मैं आधा कटोरी दही ली हूँ। यह ताजी फ्रेश घर की जमी हुई दही है। अगर दही खट्टी हो थोड़ा आप कम ही लें। अब उसी कटोरी के माप से हम आधा कटोरी पानी डालेंगे। अब हम सभी को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को आप एक ही मेजरमेंट से मापें, इससे हमारा जो नाश्ता एकदम परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर हमने सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब इसे हम ढक दे रहे हैं। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम सूजी को चेक कर ले रहे हैं। सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा प्याज, बारीक कटा टमाटर, बारीक कटी हरी मिर्च। यहाँ पर आप अपने मन पसंद की हरी सब्जियाँ डाल सकते हैं। मैं इसे सिर्फ प्याज और टमाटर से बना रही हूँ। अब यहीं पर डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। अब यहीं पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब नाश्ते को फूला फूला और स्पंजी बनाने के लिए डालेंगे आधा चम्मच मीठा सोडा। इसकी जगह पर आप इनो ले सकते हैं। अब सभी को अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में हम फेंट लेंगे। इनो डालने से नाश्ते में इनो का स्वाद आता है, इसलिए यहाँ पर मैं मीठा सोडा डाल रही हूँ। बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए, न ज्यादा गाढ़ा न ज्यादा पतला। देख सकते हैं इसकी थिकनेस इस तरह का होना चाहिए। गैस पर हमने एक नॉनस्टिक कढ़ाई रखी है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। अब तेल को हम इस तरह से फैला लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच सरसों के दाने, आधा चम्मच सफेद तिल। अब हम सरसों को चटकने देंगे। राई हमारी चटकने लगी है। अब हम बैटर को डालेंगे। अब बैटर को हम एक बराबर फैला लेंगे। यहाँ पर हमने बैटर को एक बराबर फैला लिया है। अब इसे हम ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम नाश्ते को चेक कर ले रहे हैं। नाश्ता हमारे ऊपर से ड्राई हो चुका है और थोड़ा फूल भी चुका है। अब इस पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे।
अब हम नाश्ते को पलट लेंगे। आप देख सकते हैं नाश्ते में कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब दूसरी साइड भी हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। नाश्ते को इस तरह से हम दबा दबा कर इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे ताकि नीचे की साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। 3 से 4 मिनट हमारे हो चुके हैं। नाश्ता हमारा नीचे से भी अच्छी तरह से सेक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम नाश्ते को प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम नाश्ते के ऊपर एक प्लेट लेंगे और इसे इस तरह से पलट लेंगे। यह देख सकते हैं नाश्ता हमारा कितनी आसानी से निकल आया है। अब हम नाश्ते को थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसे कट करेंगे। नाश्ता हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे हम कट कर ले रहे हैं। नाश्ते को हमने रेक्टेंगल शेप में काट लिया है। नाश्ता हमारा एकदम फूला फूला बना हुआ है। ये देख सकते हैं नाश्ता हमारा कितना फूला फूला जालीदार बना हुआ है। जब भी आपको रोटी सब्जी बनाने का मन न हो तो इस नाश्ते को बनाकर खा सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यह नाश्ता टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। यह बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, तो आप भी इसे एक बार ट्राई अवश्य करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग इस रेसिपी का आनंद उठा सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।